हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। नासा की तरफ से, नासा कह रहा है कि एक कंफर्म हुआ है डेंट जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ गया है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है, इसको हम साइंस में स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हैं। तो अगर आपने मेरे बेसिक एनसीईआरटी के कोर्सेज भी देखे होंगे तो उसमें हमने ये चीज़ें कराई हुई हैं। एंड अगर आप अन अकेडमी प्लस पे हो तो आपको वहाँ पे भी अदर एजुकेटर्स के भी कोर्सेज मिल जाएंगे विच विल एक्सप्लेन यू अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर एक डेंट की बात कर रहा है नासा की, इसके अंदर एक डेंट आ चुका है, तो इसी को हमने डिस्कस करना है, इसके बारे में जानना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो आपको GS 3 के अंदर आ जाएगा ये साइंस एंड टेक के पार्ट के अंदर। एंड साथ ही साथ ये आपका स्पेस का जो टॉपिक है उसमें आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर भी आपसे इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है और मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप सब चीज़ें देख सकते हो। एंड अन अकेडमी प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड ANI7। जब आप ANI7 यूज़ करोगे अन अकेडमी पे, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। आप देख सकते हो नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। इस तरह से अर्थ के मैग्नेटिज्म को दिखाया गया है। एंड नासा रिसर्चर्स ट्रैक स्लोली स्प्लिटिंग डेंट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर स्लोली स्लोली एक स्प्लिटिंग डेंट जो है वो आ रहा है। इस चीज़ को कवर किया है इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो नासा साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ स्मॉल बट इवॉल्विंग डेंट, यानी कि एक छोटा सा डेंट है लेकिन वो इवॉल्व हो रहा है, यानी कि वो बड़ा हो रहा है इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द डेंट हैज़ बिन फाउंड ओवर द साउथ अमेरिका एंड साउथ अटलांटिक ओशन। तो साउथ अमेरिका की तरफ, साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ इस डेंट को पाया गया है। इट इज़ एन अनयूजली वीक स्पॉट एंड इज कॉल्ड साउथ अटलांटिक अनोमली। इस चीज़ को आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है साउथ अटलांटिक अनोमली वॉज रिसेंटली इन न्यूज एंड इट इज़ रिलेटेड टू वट। तो रिलेटेड टू के अंदर आपको पूछा जाएगा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो करता क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। और जो भी सन से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उनको रिपेल कर देता है, ट्रैप कर देता है, ताकि वो अर्थ को, अर्थ के एटमोसफेयर को नुकसान ना पहुँचाए, जिससे कि हम बहुत सारी जो सन की हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे बच जाते हैं। अब जो साउथ अटलांटिक एनोमली है, इससे क्या होता है, इट अलाउज द चार्ज पार्टिकल टू डिप क्लोजर टू द अर्थ सर्फेस दैन नॉर्मल। अब क्योंकि एक डेंट की तरह, एक होल की तरह काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो साउथ अटलांटिक एनोमली से होगा क्या कि जो भी कोई पार्टिकल है वो सीधा के सीधा आगे आ जाएगा, एंड आगे आने के बाद वो अर्थ के सर्फेस तक पास पहुंच सकता है। दिस नॉक्स आउट द ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स एंड इज कैपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग विद द डाटा कलेक्शन फ्रॉम सैटेलाइट्स। तो इससे एक तो जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही सैटेलाइट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सैटेलाइट्स पर इफेक्ट पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो डाटा कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिससे कि हमारा सारा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रुक सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द मैग्नेटिक डेंट एंड फाइंड अ सोल्यूशन। देयरफॉर हमें इसीलिए मैग्नेटिक डेंट के बारे में पता होना चाहिए और उसका सोल्यूशन भी हमें ढूंढ के रखना चाहिए। साउथ अटलांटिक एनोमली अराइजेज ड्यू टू टू फीचर्स ऑफ द अर्थ कोर, दे आर टिल्टेड मैग्नेटिक एक्सेस एंड फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल्स विद इन द आउटर कोर। तो ऐसा होता क्यों है, दो रीजन की वजह से। तो हमारी अर्थ जो है, हमें पता है वो टिल्टेड है, ऐसे थोड़ी सी, ये मैंने ज़्यादा टिल्टेड बना दी। तो अगर आप ये अर्थ है तो इस तरह से थोड़ी सी ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, इस तरह से, तो इसके कारण जो है कुछ मूवमेंट हो जाती है। और दूसरा जो मोल्टन मेटल है अर्थ के कोर के अंदर, उसका जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, उसके कारण ये दोनों फीचर्स जो हैं ये साउथ अटलांटिक एनोमली को राइज देते हैं। अर्थ इज अ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर इट्स पोलैरिटीज। तो अर्थ जो है एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, धरती खुद एक मैग्नेट की तरह काम करती है, चुंबक की तरह काम करती है, और जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो इसके जो पोलर एरियाज हैं उसकी तरह काम करते हैं। तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया। इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इनसर्कलिंग द प्लैनेट बिटवीन द पोल्स, और इनविजिबल जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो पूरी की पूरी इस तरह से इनसर्कल करती हैं अर्थ को दोनों ही साइड्स पे। And it is not aligned with our outer line. This is because the field originates from the outer core of the earth. The churning metals at the massive generator called a geodynamo. तो जो नीचे जो मेटल्स हैं जो बार बार घूम रहे हैं, चर्निंग का मतलब बहुत तेजी से घूमना, जैसे हम मक्खन निकालते हैं बहुत तेजी से घूमता है, तो उस तरीके से जब वो चीज़ घूमती है तो उसे एक मैसिव जनरेटर की तरह काम करता है जिसको हम जियो डायनमो बोलते हैं। एंड दिस डायनमो क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट्स एंड प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड।
और ये डायनमो जो है ये इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग द एनोमली। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर वाली है उससे इंटरैक्ट करती है, तो उसके कारण ये जो साउथ अटलांटिक एनोमली है ये अराइज होती है। नाउ द कोर मोशन इज ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू जियो डायनामिक कंडीशन विद इन द कोर एंड ऑल्सो द बाउंड्री। दिस इज फ्लक्चुएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस एंड टाइम एज वेल। अब जो कोर का मोशन जो है जब वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज, तो उसके कारण ही ये बाहर की तरफ भी फ्लक्चुएटिंग एक चीज क्रिएट करता है, फ्लक्चुएशन को क्रिएट करता है, जिससे कि फील्ड जो स्पेस एंड टाइम है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब इससे रिलेटेड है वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट क्या होता है? द सन एक्सपेल्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स नोन एज सोलर विंड्स। तो लगातार सन से सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स हम पढ़ते हैं, वो चीजें आती रहती हैं। वैन दिस सोलर मटेरियल इज स्ट्रीम्ड अक्रॉस द स्पेस एंड स्ट्राइक्स द अर्थ इन द मैग्नेटिक स्फीयर, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कैन बिकम ट्रैप्ड। और वो जब सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म है, सोलर फ्लेयर है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, एक ट्रैपिंग हो जाती है, एक रिफ्लेक्शन आती है, जिससे कि दो डोनट शेप्ड बेल्ट्स बन जाती हैं अराउंड द प्लैनेट, जैसे कि आप ये देख सकते हो इस तरीके से। ये सोलर फ्लेयर जो चार्ज पार्टिकल है सन के, उनको रिफ्लेक्शन कर रहा है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पर ये क्रिएट हो रही है, इसी को हम वैन एलन बेल्ट्स बोलते हैं। तो ये भी इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसको मैंने यहाँ पे करा दिया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये अगेन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वन मार्कर क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बन सकता है। यूरोपियन स्टेट स्पेस एजेंसी जो है उसकी अगर हम बात माने तो एक स्वॉर्म कॉन्स्टिलेशन मिशन बनाया था इन्होंने, स्वॉर्म कॉन्स्टिलेशन मिशन, इसकी अभी हम इमेज भी देखेंगे, जो कि इन्होंने बनाया था ताकि ये देख सकें कि साउथ अटलांटिक एनोमली जो है ये कितनी चल रही है, इसमें क्या कुछ आ रहा है, इसके अंदर किस तरह से नुकसान हो रहा है या स्ट्रेंथन बढ़ रही है। तो इसके अंदर इन्होंने ये पता चला कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें 9% का डिप आया है, तो 9% मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम हो गई है पिछले 200 सालों के अंदर। और ये स्ट्रेंथ कम होने से क्या होगा कि एक जो होल है या डेंट है वो इंक्रीज होगा, डेंट या होल बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि जो सन के चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या फिर सोलर विंड्स हैं जिसके अंदर हार्मफुल रेडिएशंस भी हो सकती हैं, ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगी, दे विल रीच द अर्थ सरफेस, एंड अर्थ के सर्फेस पर पहुंचेगी तो अर्थ को नुकसान पहुंचाएगी, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी और एटमोसफेयर को भी नुकसान पहुंचाएगी, साथ ही हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, सैटेलाइट्स हों, इन सभी चीज़ों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगी, काफ़ी ज़्यादा इनका जो डाटा सिंकिंग का प्रोसेस है वो भी इफेक्ट करेगी, तो इसीलिए हमारे लिए जाना ज़रूरी था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्वॉर्म कॉन्स्टिलेशन मिशन के बारे में, और इसमें आपको याद रखना है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो स्वॉर्म कॉन्स्टिलेशन मिशन, ये एक उसकी इमेज है, तो ये देखिए सैटेलाइट 1 हो गया, सैटेलाइट 2 हो गया, सैटेलाइट 3 हो गया, सैटेलाइट 4 हो गया। तो इस तरीके से एक स्वॉर्म, जैसे कि मक्खियों का स्वॉर्म होता है, झुंड होता है, तो इस तरह से सैटेलाइट्स का झुंड, इट इज अ लाइक अ स्वॉर्म ऑफ बीज, झुंड, उसी तरह से अब यहां पे क्या है, स्वॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स। अब एक स्वॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स बना दिया जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा बार बार। अब इससे क्या होगा कि वो बार बार चक्कर काटेगा तो एक ही जगह की अलग अलग एंगल से पिक्चर्स आएंगे और पूरी की पूरी अर्थ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन। मिशन क्या था इसका, मेन मिशन अर्थ की ऑब्जर्वेशन मिशन, या फिर अगर हम मेन एम की बात करें तो मेन एम ऑफ द मिशन वॉज फॉर अर्थ ऑब्जर्विंग द अर्थ, अर्थ ऑब्जर्वेशन। द कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 सैटेलाइट्स टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। इसके अंदर जो 3 सैटेलाइट्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं पिक्चर में, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये आपके किस लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को देखने के लिए है। तो ये ऑफकोर्स एक रियल पिक्चर नहीं है, कंप्यूटराइज्ड इमेज है, तो इसके अंदर आपको 4 डॉट्स दिखाए गए हैं, पर आपको याद रखना है कि जो रियल जो सिस्टम है हमारा उसमें हम 3 ही सैटेलाइट्स को छोड़ रहे हैं, और ये 3 सैटेलाइट्स किस लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को नापने के लिए, पहचानने के लिए, उसको देखने के लिए, और उसके अंदर जो डिप वगैरह कितना आया उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। और हमने डिप भी देखा कि 9% का डिप इसके अंदर हमें देखने को मिला है। तो फिर दिस कंप्लीट द टॉपिक, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से इसके अंदर डिप आया या डेंट आया है, और क्या कुछ इसके रीजन है, और इसके लिए हमने कौन सी मिशन को लॉन्च किया था, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था, और इससे रिलेटेड हमने जो वैलन बेल्ट वाला जो सिस्टम था वो भी हमने देख लिया। सो
सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट इससे रिलेटेड रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. सो विद दिस वी हैव कंप्लीट द टॉपिक. शॉर्ट टॉपिक था. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. तो साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए. तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, डेली 7:30 PM पे होती है एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं. 40 मार्क्स के टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो आपने आज करंट अफेयर्स करे तो उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की जरूरत है. सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए. सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में. साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और साथ ही फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं. अगर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा यूजिंग माई कोड ANI7, तो इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन से. जैसे कि आप लाइव पढ़ सकते हैं अपने कंफर्ट से, अपने घर के कंफर्ट से, आपको कहीं पे भी जाना नहीं होगा. तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन की या पीजी में रहने की, वो सारी की सारी बच जाती है. सारा का सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा और सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा. पीडीएफ फॉर्मेट को आप फोन में भी खोल सकते हो, लैपटॉप में भी खोल सकते हो. इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है बीच में या आपका मन पलट गया तो आपको दोबारा से पैसे देने होंगे. आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी तरह के जो कोर्सेज हैं वो चलते रहेंगे. और आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, तो टीचर्स के साथ अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो और आंसर राइटिंग भी चेक करवा सकते हो. जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो सारे के सारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है. तो आप उन सभी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा. फिर भी अगर आपको लगता है कि एक टीचर जो है वो आपको उस लेवल का नहीं पढ़ा पाया या आपको उनका समझ नहीं आ रहा, तो आप टीचर को चेंज भी कर सकते हैं. लाइव टेस्ट सीरीज होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वो भी आप कर सकते हैं. एंड साथ ही आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है. तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी आपको बात करनी है, कोई भी समस्या है आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. सो अगेन, ये कुछ और एडवांटेजेस आपको दी हुई हैं. और हमारे जो बैचेज है वो हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों भाषाओं में होते हैं. तो जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो. साथ ही आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाती है. तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू के टाइम पर छोड़ दिया जाता है. तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम लोग आपको पूरी तरह से करा के देते हैं. सो आई होप आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करेंगे. जल्दी मिलेंगे आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.